दर्शन न्यूज। सारण जिले के माजी प्रखंड के अलग अलग क्षेत्रों में गुरुवार को भी अग्नि का तांडव जारी रहा। इस दौरान चंदोपुर एक डेंगवा मुबारकपुर तथा चेपुल गांव के बीच के चौरे में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते कई पशुपालकों के भूसा के ढेर जलकर राख हो गए तथा दर्जनों पेड़ झुलस गए। आग का भयानक स्थिति देख लोगों में दहशत व अफरा तफरी मची रही। बताया जाता है कि पहले मुबारकपुर के बाजार में आग लगी, जिसके बाद तेज पछुआ हवा के कारण आग तेजी से बगल के बाजार को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाद में आसपास के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जुट गए और पंपिंग सेट चालू कर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि आग के विकराल रूप देख ग्रामीण अग्निशामक वाहन के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि गांव के नौजवानों ने हौसला बुलंद कर किसी तरह आग पर काबू पाया। उधर दाऊदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव के समीप एकमा माझी गंडक नहर के किनारे अचानक आग लगी। बाद में पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि जयप्रकाश पांडे ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची मिनी फायर ब्रिगेड की मदद से कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए थे। इस दौरान नहर किनारे दर्जनों पेड़ झुलस गए। इसी तरह गजैतपुर पंचायत के पिपरहिया गाँव में एक बगीचे में बुधवार को दोपहर अचानक आग लग गई, जहाँ मौके पर अग्निशमन वाहन के साथ पहुंचे कर्मियों ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। तब तक इस गांव के शिक्षक शुभ नारायण सिंह के करीब एक दर्जन फलदार वृक्ष झुलस गए थे। ग्रामीणों ने बताया कि अभी आग बुझाकर दमकल कर्मी निकले थे कि शाम को इसी गांव के नहर किनारे भयंकर आग लग गई और दर्जनों पेड़ झुलस गए। लोगों ने बताया कि समय रहते दमकल कर्मी नहीं पहुंचते तो गांव के कई मकान भी आग के चपेट में आ जाते। सारण से वीर सिंह की रिपोर्ट। अब तो गोबरही पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य हैं। आग किसने लगाया? हमारा कुछ आ गया। इसके बाद चनमपुर आ गया। चनमपुर के कितने लड़के थे जो कि आग बुझे? करीब 400 आ गए। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं।